Hello dear students, welcome again to this YouTube channel. In our previous video, we studied about some journal entries and special cases in which we were passing the journal entries. And in today's video, we are going to study or learn about the discount, types of discounts and rebate. So watch this video till end and clear all your concepts related with discount and rebate. So we have discount key. तो जो डिस्काउंट होता है वो एक टाइप का अलाउंस होता है जो सेलर देता है अपने परचेजर्स को यानी कि जो गुड्स परचेज़ कर रहे हैं उनको और ये जनरली दो टाइप से दिया जाता है एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एक होता है कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय सेलर ऑन बल्क परचेज यानी लार्ज क्वान्टिटी में जब गुड्स खरीदे जाते हैं तब जिस टाइप का डिस्काउंट आपको मिलता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट और ये सेलर देता है दूसरे परचेजर्स को या फिर दूसरे आप कह सकते हो सेलर्स को जो फर्दर गुड्स को सोल्ड करेंगे किसी और कंज्यूमर को इसको आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जो एक होल सेलर होता है वो क्या करता है वो बल्क में सामान बेचता है किसी और को और उससे रिटेलर्स जो होते हैं यानी जो छोटे छोटे लॉट्स में सामान खरीदते हैं और वो आगे बेचते हैं यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं वी एज अ कंज्यूमर जो हम शॉप्स को विज़िट करते हैं तो वो रिटेल शॉप्स होती हैं जहाँ पर हम छोटी क्वान्टिट्टी खरीद सकते हैं यानी अगर आपको शुगर चाहिए तो आप जाते हैं वन और टू के शुगर आप ईज़िली वहाँ से परचेज़ करके ले आते हैं लेकिन जब वो शॉपकीपर शुगर परचेज़ करता है तो उसको वन और टू के जी नहीं मिलती है उसको पूरा एक बैग लेना पड़ता है फिफ्टी के जी का या हंड्रेड के जीज का तो वो बल्क में परचेज़ कर रहा है और उस बल्क में परचेज़ करने की वजह से उसको जो टाइप का डिस्काउंट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट देन ट्रेड डिस्काउंट के केस में इट इज़ डिडक्टेड इन इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस यानी कि जो आपका बिल होता है इनवॉइस होती है उसमें सेल प्राइस से इसको डिडक्ट कर दिया जाता है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स सेपरेटली इसको सेपरेटली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते कैश डिस्काउंट के केस में आप अलग से करते हैं बिकॉज वो आपके लिए लॉस होता है आप उसे शो करते हैं लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक कोई एंट्री नहीं होती डायरेक्टली हम प्राइस को लेस करेंगे यानी प्राइस में से हम डिस्काउंट को लेस कर देंगे और सीधे नेट वैल्यू से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और यही हमारा लास्ट पॉइंट है सेल्स इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू यानी कि जो नेट वैल्यू है जो फाइनल वैल्यू है जितनी की आपने एग्जैक्टली exactly सेल करी है वो 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 आप रिकॉर्ड करेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे रिकॉर्ड होता है कंसिडर दिस एग्जाम्पल दैट सोल्ड गुड्स टू स्वरत ऑफ रुपीज़ वन लैक अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट यानी स्वरत को हमने गुड्स को बेचा है एंड ट्वेंटी परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और कैसे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इस चीज़ को आप इस एग्ज़ैम्पल की कैलकुलेशन के थ्रू समझिए तो जो लिस्ट प्राइज है इसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है इसको कैडलॉग प्राइस भी बोला जाता है इसको कई बार मार्क प्राइस भी बोला जाता है ये सारी चीज़ें सेम है ठीक है तो लिस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो है रुपीज़ वन लाख। तो वन लाख आपने यहाँ पे लिखा देन लेस ट्रेड डिस्काउंट आप इस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया लेस ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ वन लाख का ट्वेंटी परसेंट तो इन टू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड आपने किया तो ये आ जाता है आपका ट्वेंटी थाउजेंड तो इट मीन्स ट्वेंटी थाउजेंड आप यहाँ से लेस कर देंगे तो आपने ट्वेंटी थाउजेंड को यहाँ पे लेस कर दिया मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया है फाइनल वैल्यू आती है रुपीज़ एटी थाउजेंड की तो ये जो एटी थाउजेंड रुपीज़ है ये आपकी सेल वैल्यू है या आप ये भी कह सकते हैं कि इज अ नेट वैल्यू ऑफ सेल यानी आपने जो सेल करी है वो एक्चुअली एटी थाउजेंड रुपीज़ की है तो अब इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी स्विस ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी स्वरित अकाउंट डेबिट या स्वरित डेबिट टू सेल्स अकाउंट एटी थाउजेंड रुपीज़ से एटी थाउजेंड इसीलिए बिकॉज आपने जो नेट वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो थी वन लाख माइनस ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज एटी ट्रेड डिस्काउंट डी एस ले जाता है सो दैट बिजनेस कैन बी प्रमोटेड तो आपको इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा इसलिए आप उसे एज लॉस के फॉर्म में शो नहीं करते हैं अब अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की तो इट इज़ अलाउड बाय द सेलर टू इंकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट या फिर अर्लीअर पेमेंट तो जो आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे भी कि जब आप वहाँ पे मेथड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो अगर उसमें आप प्रीपेड सेलेक्ट करते हैं जब आप यानी ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि कई बार आपके डिलीवरी चार्जेस माफ हो जाते हैं कई बार कुछ और बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं लेकिन इनकेस अगर आप उसको कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करते हैं तो फिर वही चार्जेस आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन के फॉर्म में ऐड होकर उस प्रोडक्ट में आ जाते हैं सेम कई बार ऐसा होता है कि जो सेलर होता है गुड्स का वो भी यही चीज़ें करता है वो आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बट वो आपको इनकेज करता है और आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो और अभी इमिडेटली उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको कुछ डिस्काउंट दे देगा तो ऐसे जो डिस्काउंट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट और ये कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है वन यू आर मेकिंग पेमेंट सो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड ओनली वैन पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम यानी आपने एक टाइम लिमिट दी है या तो उस टाइम लिमिट में वो आपको पे कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप उसको देंगे या फिर अगर वो इमिडियट पेमेंट कर रहा है तो भी इस टाइप के डिस्काउंट को आप ट्रेड डिस्काउंट के बाद माइनस करते हैं इन प्राइस से यानी अगर किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और उसके बाद कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है और उसका जो पार्ट वो पे कर रहा है उस पर आप कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे कंसिडर दिस एग्जाम्पल दैट सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज वन लैख अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट टू स्वरत यानी अपनी स्वरत को गुड्स जो सेल करें है सेल करे हैं उनकी कॉस्ट है वन लैख आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया ट्वेंटी परसेंट का एंड देन कैश डिस्काउंट दे दिया टेन परसेंट का तो इस सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ सेल और कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को यह हम इस एंट्री के थ्रू एंड कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं सो so अगेन सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट प्राइस की तो जो लिस्ट प्राइस है यानी इसका जो कैटलॉग प्राइस है जो एक्चुअली गुड्स की कॉस्ट है वह है रुपीज़ वन लैख इसमें से आपने लेस किया ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट अगर हम वन लैख का, का कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी परसेंट तो वीनो की ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आएगा ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया था दैट इज़ द सेम एग्जाम्पल तो अगर आप माइनस करते हैं इस वैल्यू को तो ये निकल के आती है एट्टी थाउजेंड यह है आपकी सेल वैल्यू अब इस सिचुएशन में सपोज अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा है और ये इमिडियट पेमेंट पूरी कर रहा है एट्टी थाउजेंड की तो एट्टी थाउजेंड का टेन परसेंट की कैश डिस्काउंट क्या है टेन परसेंट है तो अगेन आप यहाँ पर लेस करेंगे लेस कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जब आप लेस करेंगे एट द रेट टेन परसेंट तो एट्टी थाउजेंड का टेन परसेंट दैट इज एट थाउजेंड तो एट थाउजेंड रुपीज़ यहाँ से इन फॉर्म ऑफ दिस कैश डिस्काउंट लेस हो जाते हैं और फाइनली फिर ये निकल के आता है आपका सेवेंटी टू थाउजेंड अमाउंट रिसीव्ड रिसीव्ड नाउ लेट सी कि हम इसकी जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे सो इन दिस केस द जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अब सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट आएगी दैट इज़ रुपीज़ एटी थाउजेंड बिकॉज जो नेट वैल्यू ऑफ सेल थी वो थी एटी थाउजेंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट इसीलिए हुआ बिकॉज आपके लिए लॉस है आपने डिस्काउंट दिया और क्योंकि कैश डिस्काउंट तो शो होता है तो कैश डिस्काउंट आपके लिए लॉस है ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता इसलिए हमने नेट वैल्यू ऑफ़ सेल लिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इससे पहले जब हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज़ करी थी तो वहाँ आप पर आपने देखा होगा कि ट्रेड डिस्काउंट को मैंने शो नहीं किया था सिर्फ लेस कर दिया था लेकिन सेपरेटली वो शो नहीं होता है लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो सेपरेटली आपको शो करना पड़ता है तो आपने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज ये आपके लिए लॉस है और कितने का लॉस था वो था रुपीज़ एट थाउजेंड रुपीज़ का यानी आपने रुपीज या लास्ट में टेन परसेंट कैलकुलेट करा था एट्टी का दैट वॉज रुपीज़ एट थाउजेंड तो एट थाउजेंड का आपको लॉस हुआ डिस्काउंट के फॉर्म में वो आपने यहाँ शो कर दिया अब कैश जो रिसीव हुआ क्योंकि कैश अकाउंट में तो वही अमाउंट रिकॉर्ड होगी जो रिसीव हुई थी तो कैश जो आपने रिसीव करा दैट इज़ सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ अब अगर आप डेबिट को देखते हैं दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड या क्रेडिट कॉलम तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट यानी सेवेंटी टू प्लस एट दैट इज एट्टी एंड एट्टी यानी कि करेक्ट एंट्री है और नरेशन होगा बींग गुड सोल्ड टू स्वरित विद कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इस टाइप से आप इसको नरेशन को लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड सिमिलरली अगर आपने गुड्स परचेज़ करे और तब आपको डिस्काउंट मिल रहा है कैश डिस्काउंट तो उस केस में जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्रेडिट होगा बिकॉज इट विल बी अगेन फॉर यू और एंट्री जो होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या जो भी आपका क्रेडिटर है वो एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये इस टाइप से आप एंट्री पास करेंगे सो मूविंग ऑन टू रिबेट रिबेट मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स यानी कि जो गुड्स आप बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं उनकी वैल्यू में रिडक्शन यानी कि उसको रिड्यूस्ड रेट पे सेल करना रीज़न कैन बी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स गुड्स नॉट बिंग अप टू स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा इसका रीजन जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग हट के होता है यानी कि इसको उस रीज़न पे नहीं दिया जाता है वो रीज़न बिहाइंड गिविंग अ रिबेट इज़ नॉट दैट विच इज़ द रीजन फॉर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ऐसे जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो ब्रांडेड चाहे शूज़ की उठा लें आप या फिर आप क्लोथिंग कंपनीज उठा लें कोई भी एक्सप्रेसिड कंपनीज़ तो वो क्या करते हैं उनके अपने एक बेंच मार्क्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उन रिजेक्टेड पीसेज को वो डिस्काउंटेड रेट पर सेल करते हैं और ऐसे डिस्काउंट्स को हम रिबेट बोलते हैं अब अगर हम इसकी अकाउंटिंग करें तो वो कैसे होगी सपोज़ आपने किसी को रिबेट दिया एग्जाम्पल हम स्वरित का ले रहे थे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था स्वरत का तो एग्जाम्पल यही है कि स्वरत को सपोज हमने रिबेट दिया तो ऐसी सिचुएशन में रिबेट अलाउड तो हमारे लिए क्या है लॉस है तो वील बी राइटिंग रिबेट अलाउड अकाउंट टैबेट टू स्वरत ये एंट्री होगी जो हम रिबेट के लिए पास करेंगे अगर हमने रिबेट अलाउ किया है एंड जो रिबेट अलाउड होगा ये लास्ट में डिडक्ट होगा सेल वैल्यू से इन ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि जब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर जो रिबेट होता है ये माइनस होता है क्योंकि आपने रिबेट अलाउ किया है तो आप सेल से इसको माइनस करेंगे ट्रेडिंग में सिमिलरली अगर आपने रिबेट रिसीव किया तब क्या होगा सपोज़ अगर स्वरत से हमने गुड्स परचेज करे और स्वरत ने हमें रिबेट दिया तो उस सिचुएशन में जो एंट्री पास होगी वो ये होगी स्वरत अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम स्वरत ये इसका नरेशन होगा अब इन दोनों ही केसेस में हमने जब एंट्री पास करी थी तो हमने डायरेक्ट स्वरत के नाम से करी है एंट्री चाहे वो रिबेट अलाउड हो या रिसीव्ड हो तो, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है मैंने स्टार्टिंग में कहा था रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स यानी अपने गुड्स बेचे हैं और बेचने के बाद ऐसा होता है सपोज़ मैंने किसी को गुड्स सेल करे और वो बाद में मुझे कंप्लेन करता है कि इन गुड्स की जो क्वालिटी है वो पुअर है बहुत ही ख़राब क्वालिटी के गुड्स तो मैंने उसको क्या किया उसकी इन्वाइस प्राइस पे वैल्यू लेस कर दी और उसको रिबेट दे दिया इसलिए एंट्री जो हो रही है यहाँ पे इस बेसिस पे ही पास हो रही है अगर हमें रिबेट मिल रहा है इट मींस कि हमें किसी को पेमेंट करनी होगी यानी क्रेडिटर को पेमेंट करनी होगी और वो हमें रिबेट दे रहा है तो इसीलिए हमने अपने क्रेडिटर को यानी यहाँ स्वरित को जो है वो क्या कर दिया है रिड्यूस कर दिया है और यही रीज़न है कि वो डेबिट में चला गया पर इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जब हमने अलाउ किया था तो उस सिचुएशन में हमने अपने डैप्टर को अलाउ किया था क्योंकि जिससे हमें पैसे लेने हैं हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसीलिए उस सिचुएशन में स्वरित जो है वो क्रेडिट हुआ था सो इफ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट तो सबसे पहली एडवांटेज है इट एनकरेजेस परचेजिंग इन बल्क यानी ट्रेड डिस्काउंट की वजह से ऐसा होता है कि जो परचेज़र होता है वो ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटीज़ खरीदता है क्योंकि अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो फिर आपको कोई चीज़ इंकरेज ही नहीं करती ज़्यादा क्वानिटी खरीदने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट आपको रिटेल में टेन थाउजेंड का मिल रहा है तो अगर आप किसी साइट को विजिट करते हैं जैसे इंडिया मार्ट डॉट कॉम टाइप साइट्स तो उन सिचुएशन में क्या होता है कि वो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बल्क में सेल कर रहे होते हैं गुड्स तो वो वहाँ पे आपको पीसेज वाइज इसके प्राइस दिखाती हैं कि अगर आप सिंगल पीस लेंगे पहले तो सिंगल वो बेचेंगे ही नहीं वो आपको दिखाएंगे कि मिनिमम थ्री पीस अगर आप लेते हैं तो टेन का पड़ेगा अगर आप फाइव लेंगे तो ये आपको नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का पड़ेगा सिमिलरली अगर आप और क्वांटिटी बढ़ाएंगे हो सकता है कि आप इसको हंड्रेड पे पहुंचा दें तो यही प्रोडक्ट आपको जो है सेवन थाउजेंड रुपीज़ का मिलने लग जाए पर पीस के बेसिस पे तो ये जो है एक टाइप का क्या है ट्रेड डिस्काउंट है इट इज़ एनकरेजिंग बल्क परचेज यानी कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी कोई बहुत बड़ी फॉर्म है या कोई ऐसा सेलर है जो आगे भी कंज्यूमर्स को बेचेगा रिटेल्ड फॉर्म में तो वो इस चीज़ का यूज़ कर सकता है नेक्स्ट एडवांटेज जो मिलती है ट्रेड डिस्काउंट से वो ये है कि इट रिड्यूजेज़ द कॉस्ट ऑफ परचेज़ एंड लीड्स टू इंक्रीज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट यानी कि आपकी जो कॉस्ट होती है परचेज़ की वो तो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो प्रोडक्ट उतने का मिला लेकिन अगेन आप उसे मार्क्ड प्राइस पे जब सेल करते हैं यानी कि जो भी उसका प्राइस है उस बेसिस पे जब आप सेल करते हैं तो आपको उससे बेनिफिट मिलता है और आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाता है नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन तो एक बेनिफिट इससे भी मिलता है कि कंपटीशन फेस करने में फर्म्स को बहुत ही हेल्प मिलती है बिकॉज अगर आपने किसी ऐसी फर्म से परचेज़ किया बल्क में जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो अगेन आप भी डिस्काउंटेड रेट पर गुड्स को सेल कर सकते हैं और अपने कम्पिटिटर्स के साथ आप अच्छे तरीके से या बेटर वे में कंपीट कर सकते हैं इसके अलावा बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं इसकी और जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स तो सेम वे में जो फर्म्स होती हैं वो अपने रेगुलर जो उनके बायर होते हैं उनसे या और साथ ही साथ जो कैजुअल बायर्स होते हैं जो कभी कधार आते हैं ओकेजनल जिन्हें हम कह सकते हैं तो उन बायर से वो डिफरेंट प्राइज़ चार्ज करते हैं हो सकता है वो प्रोडक्ट ट्रेड डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट के रेट्स के साथ वो चेंजेस करते हैं फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी को वो टेन परसेंट दे रहे हो जो उनका रेगुलर कस्टमर है और ऐसा बंदा जो कि बहुत कम आ रहा है फ़ोम के पास तो हो सकता है उसको वो टू के रेट पर ट्रेड डिस्काउंट दें नाउ मूविंग ऑन टू एडवांटेज़ ऑफ कैश डिस्काउंट सो फर्स्ट एडवांटेज इज़ दैट सेलर रियलाइजेज़ द अमाउंट ऑफ सेल प्रॉम्प्टली तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि जो सेलर है उसको अमाउंट ऑफ सेल फॉरन मिल जाता है दूसरी एडवांटेज ये है कि डिस्काउंट इज़ अलाउड टू इंकरेज डेप्टर्स टू पे विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया और आपने इंकरेज कराया लोगों को या अपने डेप्टर्स को कि वो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको पे करें अमाउंट तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो एक ये मिलेगा कि कैश फ्लो जो होगा आपकी फ़ोन का इम्प्रूव होगा कैश फ्लो मीन्स की जो कैश का फ्लो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि फ़र्म की लिक्विडिटी मेंटेन होगी लिक्विडिटी का मतलब कि आपकी जो कैपेसिटी है टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन यानी आपकी फ़र्म की जो कैपेसिटी है अपने ऑब्लीगेशन को पूरा करने की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि आपके पास कैश का इन्फ्लो ज़्यादा होगा आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे बिकॉज आपके जो परचेज़र्स हैं वो टाइम पर पे आपको पेमेंट कर देंगे जस्ट टू गेट बेनिफिट तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा साथ ही साथ आपको भी इसका बेनिफिट या एडवांटेज मिलेगी एंड नेक्स्ट एडवांटेज पॉसिबिलिटी ऑफ बेड डेप्स इज़ रिड्यूस्ड ये बेड डेप्स जो होती हैं बेड डेप्स का मतलब होता है जब आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पर दिए हैं या आपने कोई अमाउंट किसी को लेंड करी है एंड वो पर्सन आपको वो अमाउंट रिटर्न करने की कंडीशन में नहीं होता या वो नहीं देता जिसको हिंदी में हम कहते हैं आप कि पैसे का डूब जाना तो दैट इज़ कॉल्ड बेड डेप्स उनको भी कहते हैं बेड डेप्स यानी कि वो डेप्स या उधार जो कि अब नहीं मिलेगा नहीं रिकवर कर पाएंगे हम दैट इज़ कॉल्ड बेड डेप्स तो जब आप कैश डिस्काउंट देते हैं और ये इंकरेज कर रहे होते हैं आप कि एक पर्सन जो है फटाफट पेमेंट कर दे तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बेड डेप्स की वो भी कम हो जाती हैं बिकॉज ऑलरेडी यू आर गिविंग अ डिस्काउंट टू अ पर्सन टू मेक अ प्रॉम्प्ट पेमेंट तो अगर वो डिस्काउंट लेना चाहेगा तो विद इन अ टाइम फ्रेम वो अमाउंट पे करेगा एंड इट विल लीड टू द इनफ्लो ऑफ कैश फॉर यू As well as the possibility of bed depths will be reduced. So, this much in today's video. I hope you concept of koches. In our next video, we are going to discuss about the bed depths, journal entries to record bed depths, and some other special cases. Like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thanks for watching the video.